अस्सलाम वालेकुम, आप सबका रुबाज ऑल इंडियन किचन में एक बार फिर वेलकम है। आज हम हमारे किचन में बनाने वाले हैं चिकन चीज कैसरोल। ओके, तो ये एक फ्रेंच डिश है, तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे वो बनाएंगे चिकन का मिंस। ठीक है, तो जो हमें चिकन मिंस बनाने के लिए चाहिए, हमने लिया 400 ग्राम चिकन का कीमा, या मैंने लिया टोमेटो पेस्ट। ओके, जो हम मार्केट में टोमेटो पेस्ट, आपको याद होगा मैंने टोमेटो पेस्ट की आपको रेसिपी भी सिखाई थी, वो ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो थिक होता है। तो जब हम टोमेटो पेस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो हम डायरेक्ट टोमेटो पेस्ट नहीं डालते, वो बहुत थिक सा कंसिस्टेंसी हो जाता है। तो मैंने 3 चम्मच टोमेटो पेस्ट के अंदर आधा कप जितना या 1/4 कप जितना आपकी ऊपर है कि आपको कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप जितना पानी डाला और उसे मिक्स कर दिया। ओके, यहाँ मैंने लिया 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून पेपरिका और 2 टेबल स्पून हमने लिया है लहसुन का पेस्ट। ओके, आप चॉप गार्लिक भी ले सकते हैं। अब हम इसमें लेंगे साथ ही 2 टेबल स्पून जितना ऑयल, और नमक हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसमें चिकन ब्रॉथ इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होता है कि आप हमारे पास चिकन ब्रॉथ होता नहीं है, तो हम इसको पानी के अंदर चिकन पाउडर डाल देते हैं और उसे मिक्स कर देते हैं, वो हमारा चिकन स्टॉक या चिकन ब्रॉथ बन जाता है। अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला और हम इसमें डालेंगे गार्लिक। ठीक है, हल्का सा सॉटे करना है, मतलब बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ट्रांसपोर्टिंग करेंगे। बस ये दिख रहा होगा आपको कैसे हल्का हल्का सा इसमें ब्राउनिश का कलर आ गया है। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे हमारा चिकन का कीमा। ठीक है, अभी हम इस हल्का सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, सिर्फ फ्राई जैसे करेंगे। उसके बाद हम इसमें टोमेटो पेस्ट डालेंगे। अब हम डालेंगे टोमेटो पेस्ट। ठीक है, और साथ ही इसमें डालेंगे हमारा चिकन स्टॉक। ओके, तो इसमें मैंने मतलब तकरीबन 2 टेबल स्पून इतना चिकन पाउडर डाला है। ठीक है, अभी हम इसमें नमक नहीं डाल रहे क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसमें नमक की कितनी ज़रूरत होगी। ठीक है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ब्लैक पेपर और पेपरिका के साथ। ठीक है, ये ओरिजिनली फ्रेंच की जैसे बनता है फ्रेंच में, तो हम वैसे ही बना रहे हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता। ओके, अब हम इसको अपने तरीके से इनोवेट कर सकते हैं, बट अभी जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ वो ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ। ओके, तो ये देखिए कैसे ड्राई हो गया है, जब हम लोग ने अभी आपको दिखाया था तो इतना पानी डला हुआ था, तो मैंने इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया, ये थोड़ा और ड्राई होगा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने इसमें चिकन पाउडर के हिसाब से अगर आपने चेक किया, अगर आपको कम लग रहा था तो चिकन पाउडर का ब्रॉथ थोड़ा और डाल दीजिएगा, बट अगर आपको सॉल्ट डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आपको टेस्ट इसका ब्लेंड लग रहा है, अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसमें एडिशनली 1 टेबल स्पून जितना चिली सॉस और 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून जितनी चिली पाउडर डाल सकते हैं, जो लाल मिर्च होती है। ठीक है, और मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें 1/2 टेबल स्पून जितना टोमेटो पेस्ट और डाला, क्योंकि मुझे इसका कलर रेड नहीं लग रहा था, तो अब इसका कलर अच्छा हो गया और ये ड्राई भी हो गया। तो अब हम इसे साइड कर लेंगे और अब हम बनाएंगे मैश पोटैटो। अब हम बना रहे हैं मैश पोटैटो, बहुत ही सिंपल रेसिपी है मैश पोटैटो की। तो जो मैश पोटैटो के लिए मैंने आलू लिए हैं, वो लिए 4 आलू, उसको बॉयल कर लिया अच्छे से, ओवर बॉयल करने भूले आप, लेकिन उसके बाद आप इसको देखेंगे मैंने बहुत अच्छे से मैश किया, आपको दिख रहा होगा कोई लम्स नहीं है, बिल्कुल फाइन मैश कीजिएगा, क्योंकि जो हम मार्केट में खाते हैं, मतलब रेस्टोरेंट्स में खाते हैं मैश पोटैटो, बहुत अच्छे स्मूथ होते हैं, उसकी स्मूथनेस का राज यही होता है कि हम जितना अच्छे से इसको मैश करेंगे उतना अच्छा हमारा मैश पोटैटो का रिजल्ट है। उसके अलावा हम लेंगे 1 कप मिल्क, नमक हसबे ज़रूरत 1 टीस्पून जितना, और 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर लेंगे, और लेंगे 1 टेबल स्पून जितना बटर। ठीक है, ये बटर हो गया, इसके अंदर हम डालेंगे हमारा मैश पोटैटो। ओके, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बटर में मैश पोटैटो को सॉटे करते हैं, बट हम लोग इतना सॉटे नहीं करेंगे मैश पोटैटो को बटर में, क्योंकि हमें अभी खाना हमें रखना नहीं है, जो बटर में हम रखते हैं ना डाल के मैश पोटैटो, उसका बेसिक मोटिव ये होता है कि
उसको लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा टाइम तक उसको सेव कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बटर के अंदर। अब हम इसमें दूध डालेंगे। ओके, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, ठीक है। अगर आपके पास पार्सली है तो आप पार्सली भी डाल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अगर आप मैश पोटैटो ऐसे सर्व कर रहे हो, ओके, एज अ साइड लाइन, तो वो अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग जो है वो लेयरिंग करेंगे, और आपका मैश पोटैटो बहुत लूज नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा थिक ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसे थिक नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि जब हम लोग कटिंग करेंगे कैसरोल की तो वो बैठ जाएगा, कैसरोल टूट जाएगा, मतलब अच्छा पीस नहीं निकल कर आएगा। तो आपके मैश पोटैटो बाइंडिंग का और बींग काम करता है, तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपका मैश पोटैटो बहुत अच्छा होगा, तभी आपके पीसेस बहुत अच्छे आएंगे। तो देखिए, हमने इसको स्टोव से उतार दिया। अब इसको ना बहुत ज़्यादा पकाते ही नहीं है, जब आपका हल्का हल्का से थिक होने लग जाएगा तो आप इसे उतार देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए आपको इसकी कंसिस्टेंसी और कितना स्मूथ है, ठीक है। अब मैं आपको और भी तरीके से, डिफरेंट तरीके से मैश पोटैटोज बनते हैं। एक तो ये हो गया फ्लेम वाला, और एक होता है सॉफ्ट। अगर आपको वो सीखना है तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं कि आपको सॉफ्ट फ्लेम वाला मैश पोटैटो सीखना है, तो मैं आपको किसी और रेसिपी के साथ ऐसे साइड लाइन सॉफ्ट फ्लेम वाला मैश पोटैटो बनाना सिखा दूंगी। ओके, अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। वो बेसिक है, जैसे हम हमेशा बनाते हैं वैसे ही जल्दी से व्हाइट सॉस बनाते हैं, फिर हम इसे लेयर करेंगे। बेसिकली कैसरोल होता क्या है, जो डीप डिश में हम लोग लेयर करके कोई भी फिलिंग के साथ बनाएं कुछ भी डिश, वो होता है कैसरोल, ठीक है। उसमें आपकी तीन लेयर्स होनी ही चाहिए। जैसे आप उसमें चिकन को किसी भी तरीके से, आपका जो प्रोटीन होता है वो किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हैं। आपका इसमें पास्ता और मैश पोटैटो और व्हाइट सॉस जाता है, ठीक है, और साथ में चीज़ भी जाती है। तो हम लोग ने यहाँ सबसे पहले क्या क्या रखा हुआ है मैं आपको वो दिखा दूँ। ये हो गया हमारा मैश पोटैटो, चिकन फिलिंग, पास्ता, वाइल्ड पास्ता, और साथ ही हमने बनाया व्हाइट सॉस। ओके, अब जो व्हाइट सॉस है, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप लज़ानिया की रेसिपी, मैंने ऊपर लिंक दे दिया हुआ है इसका लिंक, तो आप उधर जाएंगे तो आप देख सकते हैं व्हाइट सॉस कैसे बनता है। बस इसमें आप थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून जितना चारा चीज डाल के मिक्स कर दीजिएगा, तो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और बाकी व्हाइट सॉस बिल्कुल सेम हमने बना लिया। तो अब हम सबसे पहले मैश पोटैटो डालेंगे, वो क्या, और इसे अच्छे से स्प्रेड आउट करेंगे इवनली। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता, ठीक है, ओके, इसको इवनली स्प्रेड करेंगे। ये देखिए जो हम इसमें पास्ता यूज कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा होगा, ये एल्बो मैक्रोनी, जो ऑथेंटिकली डलते हैं वो होते हैं स्पाइरल पास्ता, ओके। तो अभी वो हमारे पास मौजूद नहीं थे तो हम मैक्रोनी डाल रहे हैं, तो अगर आपके पास स्पाइरल पास्ता हो तो आप वो डाल दीजिएगा। और अब हम इसमें हमारे मिंस की लेयर लगाएंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से इवनली हमारा मिंस स्प्रेड हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट सॉस। अच्छा, व्हाइट सॉस की कंसिस्टेंसी ना थिक होगी तो वो बैठेगा, वरना वो बैठेगा नहीं। इसको अच्छे से, अब ये देखिए, ये जो है ना, ये हो गया आपका रेडी, मतलब इसकी एक ही लेयर होती है। अगर अब आप चाहें तो आप इसमें डबल लेयर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास चीज़ें बची हुई और आपको है कि आप डबल लेयर करके
इसे सर्व करना चाहते हैं तो आप इसकी डबल लेयरिंग भी कर सकते हैं। ओके, अब अगर वरना आप इस पर डायरेक्ट चीज़ लगा के इसे बेक कर देंगे। तो चेडर मोजरेला चीज़ को इसके ऊपर अच्छे से एक लेयर की तौर पे श्रेड कर दिया, मतलब फैला लिया। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं ओरिगैनो लीफ। ओके, थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे और इसको आप बेक करेंगे प्री हुई ओवन में जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। ओके, ये देखिए ये अच्छे से बेक हो चुका है, इसका कलर कितना अच्छा है। अब हम इसे कट करेंगे और इसे प्लेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कट करके बता देती हूँ। तो देखिए मैंने इसको प्लेट कर दिया है, ये नीचे आपको दिख रहा होगा ये व्हाइट सॉस लगा है जो हमने बनाया था, और ऊपर मैंने इसको सराचा सॉस से इस तरीके से डॉट दे दी। और ये हमारा कैसरोल, चिकन चीज़ कैसरोल मैंने इस तरीके से प्लेट करके रखा है। अब अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको अपडेट मिल सके कि मैं कब न्यू वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मौजूद होता है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं।